आपके अंदर भी ये तीन आदतें हैं तो आप बेबी प्लानिंग जब कर रहे हो, गर्भधारण करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहीं पे आपको स्टॉप कर देना है, यहीं पे आपको रोक देना है, इससे आगे नहीं बढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, जब तीन आदतें आपके अंदर रहेंगी तो आपको कभी भी गर्भधारण नहीं हो सकता है। पहली आदत ये है, आप पिछले 24 घंटे देखिए कि आप 24 घंटे में क्या क्या आपने डाइट लिया है। आप एक हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करते हो? हेल्दी डाइट आप लेते हो कि नहीं लेते हो? अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हो, या फिर आपकी दिनचर्या ऐसी है जिसमें कि आपको जो है बाहर काम करने जाना पड़ना जो है जाना पड़ता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपको बाहर जाना पड़ता है या फिर कोई भी ऐसी जगह पे आप रहते हो जहाँ पे आपको खुद से खाना आप नहीं बना के खा सकते हो, या फिर कोई ऐसी चीज है कि आपको बाहर का ही कोई चीज सामान खाना पड़ रहा है, कोई दिक्कतें हो रही हैं, यानी कि आपको अच्छी डाइट मिल नहीं रही है, तो आपको वहां पे अपना प्रेगनेंसी बिल्कुल कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देना चाहिए, कुछ टाइम के लिए रोक देना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होगा कि खामो खाम आप परेशान रहोगे, गर्भधारण तो होगा नहीं, दूसरा जो है पहला जो आप जॉब का स्ट्रेस है, टेंशन है, चिंता है, दूसरा आपको गर्भधारण का जो है चिंता होने लगेगा, टेंशन होने लगेगा, तो आपकी हार्मोन और भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक तो आपका हार्मोन पहले से ही डिस्टर्ब है, और जब दोबारा ये सारे चीज करोगे तो और भी आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हो, हेल्दी आपको खाना नहीं मिलता है, हेल्दी फूड नहीं खा पाते हो, तो वहीं पे आप अपना प्रेगनेंसी का जो सोच रहे हो बिल्कुल वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, आपको आगे इस चीज को नहीं सोचना चाहिए। दूसरा, आपकी दिनचर्या कैसी है? अगर आपको जो है लेट नाइट काम करना पड़ता है, सुबह में जो है देर से सोना पड़ता है, तब भी आपका हार्मोन जो है सही से काम नहीं करेगा और आपको गर्भधारण नहीं हो पाएगा। तीसरा फ्रेंड्स, कि अगर आपका जो हैबिट में हफ्ते में 2 से 3 दिन भी आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो भी आपको गर्भधारण करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, एक महिला को गर्भधारण तभी होगा अगर आप हेल्दी डाइट लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेस फ्री रहते हो, इसके साथ साथ आपको कोई भी तनाव नहीं रहता है, आप अच्छे से अपना रिलेशन मेंटेन करते हो, अच्छे से उस चीज को फोकस करते हो, तो ही आपको गर्भधारण होगा, वरना नहीं हो पाएगा गर्भधारण। आजकल की जो समस्या है, आजकल की जो दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। फर्टिलिटी तो 80 से 85% बिल्कुल बढ़ चुका है, 10 से 15% ही नेचुरल जो है गर्भधारण हो रहा है, नहीं तो 80 से 85% बिल्कुल फर्टिलिटी की महिलाएं जो शिकार हो गई हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रेस लेवल है बिल्कुल हाई रहता है। स्ट्रेस लेवल हाई होने की वजह से उनका पीरियड सही से नहीं आता है, पीरियड का फ्लो सही से नहीं आता है, उनका ओवुलेशन सही से नहीं होता है, उनका खान पान सही से नहीं होता है, जिससे कि उनका प्रेगनेंसी बिल्कुल जो है नहीं हो रहा है और डिले हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको तीन ये हैबिट है, तो अपनी वहीं पे प्रेगनेंसी को स्टॉप कर दें, आगे उसको नहीं बढ़ाएं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो मैंने बताया खान पान, तो खान पान में आपको क्या लेने चाहिए। सबसे पहले तो जो है आप अनाज का इस्तेमाल करते हो, चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, रागी, जो भी चीज आप लेते हो, तो उसको आज गेहूं का रोटी ले लीजिए, मिलेट्स का इस्तेमाल करें, जौ, बाजरा, रागी, इन सारे मोटे अनाजों का अपने डाइट में इस्तेमाल जरूर करें। उसके बाद दूसरा जो चीज होता है, जो भी आप डेली आप खाते हो, वो सुबह से लेकर शाम तक आपको या तो दालचीनी का पानी, या तो सौंफ का पानी, या तो फिर लौंग का पानी, या फिर आपकी बॉडी हीट रहती है तो उसमें गोंद कतीरे, आपकी बॉडी हीट रहती है, बॉडी का गर्मी, पेट की गर्मी बढ़ी रहती है, तो गोंद कतीरे और सौंफ के पानी का आपको इस्तेमाल करना है। इन सारे डाइट को अपने इस्तेमाल जो है डाइट में, इन सारी चीजों को अपने डाइट में इंक्लूड करो। हरी पत्तेदार सब्जियां हो गए, अंडे हो गए, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है आपको मिल जाएगा अखरोट में, वॉलनट्स में, उसका इस्तेमाल करो। बादाम हो गया, बादाम में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसका इस्तेमाल करो। सीड साइकिलिंग करो, और इसके बाद अपना डाइट बिल्कुल बैलेंस रखो। डाइट में चाय थोड़ा तो एक कप के मात्रा में चाय ले सकते हो, कॉफी को बिल्कुल ही दूर रखो, ग्रीन टी आप ज्यादा से ज्यादा लो, ब्लैक टी भी आप ले सकते हो, इसमें भी जो है कैफीन की मात्रा थोड़ा कम रहती है। तो इन सारी चीजों को अपने डाइट में इस्तेमाल करो, इन सारी चीजों के लिए आपके पास समय होने चाहिए। दूसरा कि आपको आपका जो रूटीन है उसमें आपको सही से 9:30 बजे 10 बजे के बीच में सो जाना है, सुबह में आपको 5 से 6 के बीच में उठ जाना है, उसके लिए उसके बाद आपको आधे से 1 घंटे के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज पे मेरे
जो है डेडिकेटेड वीडियो है उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। एक्सरसाइज में आपको वॉकिंग और लेग अप डबल पोजीशन बहुत कम जो है अच्छे काम करेंगे। लेग अप डबल पोजीशन बहुत ही पॉपुलर है। जब लेग अप डबल पोजीशन करते हो तो इससे ब्लड का फ्लो आपके यूट्रस में जाता है। जब ब्लड का फ्लो यूट्रस में जाता है तो अगर आपका फिलोपियन ट्यूब बंद भी रहेगा तो उसको भी वो खुलने का काम करता है। तो आप जो है एक्सरसाइज अपने लिए जरूर कम से कम आधे घंटे निकालो। इसके बाद आप जो है लेग अप डबल पोजीशन को विपरीत करनी आसन भी बोला जाता है। उसके साथ साथ आप एक और काम कर सकते हो कि आप जो है अनुलोम विलोम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, इसके साथ आप चक्की चलान आसन करो, इसके लिए इसके बाद आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज करो। ये सारे एक्सरसाइज आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको तीन हैबिट आपके दिनचर्या में नहीं है तो वहां पे अपने प्रेगनेंसी को स्टॉप कर दो और इसको अपने हैबिट में, अपनी रूटीन में शामिल करो ताकि आपको गर्भधारण जल्दी से जल्दी हो जाए। क्योंकि एक गर्भवती महिला के लिए हस्बैंड का सेल्स और महिला का अंडा बहुत ही जरूरी होता है। अगर वीक अंडा बनेगा, आपका अंडा जो है कमजोर रहेगा, अगर उससे बाई चांस आपको गर्भधारण हो जाता है तो ये प्रेगनेंसी आपको बिल्कुल ही मिसकैरेज कराना पड़ेगा। इसमें हार्ट बीट नहीं आएंगे, कोई भी कोई इसकी अंग जो आपकी बच्चे की अंग डेवलप हो रहा है उसमें कोई ना कोई विकृतियां आ जाएंगी, यानी कि समस्याओं पे समस्याओं आपके सामने आने लगेंगे जिससे कि आपको मिसकैरेज कराना पड़ेगा। या तो खुद इसको बॉडी हटा देगी या फिर इसको डॉक्टर खुद आपको देगी, इसका जो है इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ये बढ़ेगा नहीं। जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है उसकी ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए फ्रेंड्स आपको इस चीज को वहीं पे रोक देना है।